हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र के एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ से आपको एक्सटेंशन में जाना है। इस तरीके से उस पर क्लिक कीजिए और अब मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक कीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ से आपको जो है अलो एक्सटेंशंस फ्रॉम अदर स्टोर्स, इसको आपको जो है इनेबल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इनेबल करेंगे और आपके राइट पैनल में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उस पर आपको क्लिक करके उसको ओपन करना है। आपका जो स्टोर है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से अब यहाँ पे आपको जो भी एक्सटेंशन आपको आपने जो क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल किया हुआ है, अगर वही एक्सटेंशन अगर आप यहाँ पे सर्च करके उसको ओपन करेंगे तो अब आप इजली जो है यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वो एक्सटेंशन को ओपन कीजिए और गेट पे क्लिक कीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र का जो एक्सटेंशन रहता है सेम एज इट इज, वो जो है यहाँ पे भी इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।